दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा कड़वा जहर है जिसको पीने में आज लाखों युवा लगे हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, बल्कि इस दौड़ का हिस्सा कभी मैं भी था। आज देश का ऑलमोस्ट 40% नौजवान सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहता है, फिर चाहे वो एक पियोन की जॉब ही क्यों ना हो, जिसके लिए एक पीएचडी होल्डर भी अप्लाई करता है। अब ऐसे ही कुछ देखने को मिला हाल ही साल 2015 में, जब यूपी में पियोन की 368 पोस्ट के लिए 23 लाख नौजवानों ने अप्लाई किया, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स और 255 पीएचडी होल्डर ने भी अप्लाई किया। लेकिन ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि ऐसा क्या है गवर्नमेंट जॉब में तो प्राइवेट जॉब में नहीं। क्यों भारत का यूथ अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय सिर्फ एक रूम में बंद होकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा है? ये जानने के लिए सबसे पहले हमें गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बीच का अंतर समझना होगा। पहला, जहां गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग आवर एकदम फिक्स होते हैं, टाइम पर आना और टाइम पर जाना, वहीं प्राइवेट जॉब में वर्किंग आवर्स किसी भी एंगल से फिक्स नहीं होते। कई बार तो वर्कलोड के चलते वर्किंग आवर्स 12 से 14 घंटे के बीच भी हो जाता है प्राइवेट जॉब में। दूसरा, जहां गवर्नमेंट जॉब में चाहे सरकारी कंपनी नुकसान में हो या मुनाफे में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सैलरी एकदम फिक्स रहती है। वहीं दूसरी ओर अगर रिसेशन का टाइम आता है तो कंपनी पे कट करने में जरा भी देरी नहीं लगाती, और ऐसा ही कुछ हाल फिलहाल कोविड के टाइम देखा गया था, जहां गवर्नमेंट जॉब में वर्क कल्चर एकदम स्मूथ रहता है, अपर मैनेजमेंट का कोई खास डर नहीं रहता। वहीं प्राइवेट जॉब में वर्क कल्चर बड़ा ही घटिया देखा गया है, एम्प्लॉइज के साथ अपर मैनेजमेंट का काम के प्रेशर में मिसबिहेव करना। हाल ही में ऐसा कुछ देखा गया HDFC बैंक में, जहां एक सीनियर की वीडियो लीक हो गई, जहां वो अपने जूनियर के साथ गालियों से बात कर रहा था। ये रही कुछ वीडियो क्लिप्स। চৌথা, গভর্নমেন্ট জব আজ কি ডেট মে সোসাইটি মে ইজ্জত কমানে কা এক সিম্বল মান লিয়া গয়া হ্যায়। পরিবার ওয়ালে আপনি লড়কি কি শাদি করনে কে লিয়ে কুছ অর দেখে না দেখে লড়কা गवर्नमेंट जॉब करता है या नहीं, ये जरूर देखते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला हरियाणा के एक शहर में, जब एक पिता ने अपनी लड़की की शादी के लिए 60 लाख रुपए खर्च कर दिए दहेज देने में, क्योंकि जो लड़का था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई था। लड़की के पिता का कहना था कि अब उन्हें जिंदगी में और क्या चाहिए, जब उनकी लड़की को एक सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिल गया हो। इसके अलावा भी ब्लू कॉलर जॉब को इंडिया में सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री का, तो वहाँ एक होटल में काम करने वाला एक सफाई कर्मचारी या फिर होटल का मैनेजर हो, दोनों को एक सम्मान से, दोनों को एक ही नज़र से देखा जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक सफाई कर्मचारी के साथ अलग तरीके से बिहेव किया जाता है और एक मैनेजर के साथ अलग तरीके से बिहेव किया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपकी सैलरी के साथ साथ सरकार आपको बहुत सारी एमिनिटीज देती है, जैसे पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हेल्थ केयर, होम लोन। मतलब जब तक आप इंडिया में हो तब तक सरकार आपका खर्चा उठाएगी। इवन सरकारी नौकरी करने वाले के मरने के बाद भी उसके पार्टनर तक को सरकार पेंशन देती है, जबकि प्राइवेट जॉब में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जब तक आप कंपनी में हो, आपके काम करने के प्रति आपको पैसे मिलते रहेंगे। जिस दिन आपने कंपनी छोड़ी, कंपनी पर आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का एक मुख्य कारण ये भी है, इंग्लिश लैंग्वेज। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 65% बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं, वो या तो विलेज या फिर किसी बैकग्राउंड एरिया से बिलोंग करते हैं, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई अपनी लोकल लैंग्वेज में की होती है। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज जो आज की डेट में प्राइवेट जॉब में मस्ट कर दी गई है। Why did you choose computer science? Well, ever since I've been young, I've been interested in computers. वो उन्हें नहीं आती, जिसकी वजह से अच्छी प्राइवेट जॉब उनकी पहुंच से काफी दूर चली जाती है। ये सब समझने के बाद हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर इतने सारे बच्चे सरकारी नौकरी की दौड़ में लगे हैं, तो उन्हें सरकारी नौकरी मिल क्यों नहीं रही है। सबसे बड़ा कारण वो है गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइज होना। अगर हम बैंक सेक्टर का ही एग्जांपल ले तो साल 2000 तक टोटल 27 बैंक गवर्नमेंट के अंडर थे, और अगर हम साल 2023 तक ही देखें तो ये संख्या 27 से घटकर केवल 12 ही रह गई है, और भविष्य में ये संख्या और भी ज्यादा घटने की पूरी संभावना है। तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी काफी फर्क पड़ता होगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, बैंक का ही एग्जांपल लेते हैं। साल 2008 में
SBI ने क्लर्क की टोटल 20,000 वैकेंसीज निकाली थी, वहीं साल 2022 में ये वैकेंसी घटकर 5,008 रह गई। ये हाल केवल बैंकिंग सेक्टर का ही नहीं है, और भी कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जा रहे हैं। जैसे एयर इंडिया को ही लो, जिसको अभी हाल फिलहाल टाटा ने खरीदा है, बिजली विभाग, रोड प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहे हैं। लेकिन देश की तरक्की के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन भी जरूरी है। आखिर कब तक गवर्नमेंट कंपनीज लॉस में काम करती रहेगी? रोड कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट हुए तो भारत को अच्छी सड़कें मिली, बिजली विभाग प्राइवेट हुआ तो पूरे देश में बिजली का प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा। गवर्नमेंट सेक्टर का वर्क कल्चर ही ऐसा हो गया था कि एम्प्लॉयज को काम करने की आदत ही छूट गई थी, जिस वजह से गवर्नमेंट कंपनी साल दर साल लॉस में ही जा रही थी। वहीं जो बचे कुछ गवर्नमेंट सेक्टर हैं, वहां भी सरकार कॉस्ट कटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, वैकेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसीज में बदला जा रहा है। दूसरा कारण है बढ़ता कॉम्पिटिशन। गवर्नमेंट जॉब में आज इतना बुरा हाल है कि अगर हम इसे सर्वे से समझे तो आज एक गवर्नमेंट वैकेंसी के पीछे 1,000 बच्चा पेपर देता है, यानी 1,000 गवर्नमेंट वैकेंसी के पीछे 10 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा कारण है गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी का। जहां पहले हर काम कॉपी पेन बेस्ड था, बड़े बड़े खाते बनाए जाते थे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, अब कंप्यूटर वर्ल्ड के आते ही टेक्नोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो गई है, जिससे प्रति व्यक्ति एफिशिएंसी भी डबल हो गई है। जहां पहले सारा काम मैन्युअली करना पड़ता था, वहीं अब सब काम डिजिटल होने लगे हैं। जहां एक ट्रेन सीट रिजर्वेशन के लिए पहले रेलवे स्टेशन जाना होता था, वहीं अब घर बैठे बैठे आप ट्रेन टिकट इजीली बुक कर सकते हो। तो इस बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड की वजह से भी मैन पावर की जरूरत दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जिसका सीधा असर वैकेंसीज पर देखा जा सकता है। चौथा बड़ा कारण है एग्जाम कंडक्शन सिस्टम। पहले एग्जाम ऑफलाइन होते थे, जिसकी वजह से एग्जाम लीक होते थे, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम होने के बावजूद भी एग्जाम में काफी डिले देखा जाता है। इसका सीधा इफेक्ट उन स्टूडेंट्स पर पड़ता है जो दिन रात एक करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगे होते हैं। ऐसा ही हाल फिलहाल देखा गया था SSC के 2018 के एग्जाम में, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 2021 में। यानी जो बच्चा 2018 में ही जॉब ले सकता था, उसने 2019, 2020 और 2021 में डर की वजह से किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जरूर की होगी, यानी उस बच्चे ने कंपटीशन को बढ़ाया होगा। देश की बढ़ती पॉपुलेशन यानी क्वालिफाइड यूथ का बढ़ना एक मुख्य कारण है गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बढ़ने का। अब इन सबके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अब इन्हें भी समझ लेते हैं। ये तो सबने सुना है, बीता समय कभी वापस नहीं लौटता। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो देखा जा रहा है वो है हमारे यूथ का वेस्टेज ऑफ टाइम। एवरेज एक स्टूडेंट 3 साल 3 महीने लगा देता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में। 20 से 30 साल की उम्र में हमारा यूथ बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारे देश की तरक्की के लिए, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है? आज नंबर ऑफ यूथ कमरे में बंद होकर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में सालों लगा रहा है। अब आप इलाहाबाद में रहने वाली GN साकिया का ही एग्जाम्पल ले लो, जिन्होंने अपनी लाइफ के 16 साल एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा दिए, जिनके बावजूद भी वो गवर्नमेंट जॉब लेने में कामयाब नहीं हुई। इन सब के चलते अंत में हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट भी, जिन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, वो भी लो पेइंग जॉब करने में मजबूर हो जाते हैं। दूसरा नुकसान है भारत की इकोनॉमी को, जहां 20 से 30 साल की उम्र में एक बिजनेसमैन घर और गाड़ी खरीदने की तैयारी में लगा होता है, वहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा यूथ अपने खर्चे को कम करने की कोशिश में लगा होता है। इकोनॉमी का तो फंडा ही यही है, द मोर पीपल विल स्पेंड मोर विल इकोनॉमिकली ग्रो। लेकिन हमारे देश में कई नौजवान अनएम्प्लॉय है 30 साल की उम्र तक, क्योंकि वो एक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं। उसका सीधा नुकसान हमारे देश की इकोनॉमी को झेलना पड़ता है। नंबर 3, कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन। केवल 7% ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी दूसरी जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, जबकि 93% एस्पिरेंट अनएम्प्लॉयड है, यानी वो अपनी फैमिली से पैसे लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन की फीस, बाहर रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, मुखर्जी नगर जो कि एक हब है दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, अगर कोई कैंडिडेट वहां रहकर पढ़ाई करता है तो साल के 2.5 लाख खर्च करता है। यानी एक मिडिल क्लास फैमिली को अपने बच्चे को गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए हर साल 2.5 लाख रुपए खर्च, और ये भी नहीं पता कि कितने साल तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बस वो इस उम्मीद से बैठे रहते हैं कि उनका बच्चा एक दिन गवर्नमेंट जॉब करेगा, जिससे उनके घर के हालात
ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सब जानने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि क्या सच में गवर्नमेंट जॉब इतनी अच्छी होती है। अगर आप किसी अच्छी लेवल की जॉब का एग्जाम क्लियर करते हो तब तो सही है, लेकिन अगर आप रिलैक्सेशन के लिए किसी छोटी पोस्ट पर नियुक्त होते हो जैसे कि क्लेरिकल पोस्ट या उसी लेवल की, तो एक टाइम पर आपकी लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी। जब आपके पास नया करने के लिए कुछ नहीं होगा या सीखने के लिए कुछ नहीं होगा, आपको खुद से इरिटेशन होने लगेगी और आप अपनी लाइफ में लेथार्जिक और डीमोटिवेट होने लगोगे। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनीज में वर्क कल्चर काफी डायनामिक होता है। कंपनीज को ग्रोथ करने के लिए अपने हर एम्प्लॉय से उसकी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा काम चाहिए होता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ एकदम ना के बराबर होती है। या तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करो अगले लेवल के लिए या फिर कई सालों तक एक ही पद पर सड़ते रहो। वहीं अगर आप में स्किल है तो प्राइवेट जॉब में आप अपनी मेहनत और स्किल के दम पर काफी जल्दी ग्रोथ कर सकते हो। प्रमोशन लेवल अच्छी सैलरी के साथ काफी अच्छे रहते हैं प्राइवेट जॉब में। चलिए अब ये समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर कैसे पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 20 से 30 की उम्र ऐसी होती है जिसमें ज्यादातर यूथ अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए पैसा खर्चता है, लेकिन वहीं भारत का यूथ कम से कम पैसे में एक कमरे में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा है। अगर यूथ पैसा नहीं खर्चेगा तो मार्केट में पैसे का फ्लो कम होगा जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकेगी। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका दूसरा पहलू समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट की वजह से नई इंडस्ट्री का जन्म हुआ है जिसे नाम दिया गया है अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री। ये अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री कैसे कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी में? लाखों की संख्या में कोचिंग सेंटर खुले हैं बीते कुछ सालों में। गेस्ट हाउसेस, ढाबे, प्रिंटिंग शॉप्स, बुक शॉप्स, चाय की थड़ियां जैसे कई छोटे छोटे बिजनेस को इस इंडस्ट्री की वजह से बूस्ट मिला है। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो ये इंडस्ट्रीज इस लेवल पर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती जिस लेवल पर एक यूथ कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर वो अनएम्प्लॉयड ना होकर पैसे कमा रहा होता, अपना बिजनेस कर रहा होता, अच्छी जॉब अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता। अब अंत में हमें ये समझना होगा कि कैसे हम कुछ अलग तरीके से सोच सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के चक्कर से बाहर निकलकर कुछ अलग करना होगा। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब लेना किसी का सपना भी होगा, बिल्कुल करो तैयारी, लेकिन किसी के प्रेशर में आकर नहीं। सोशल सिंबल के लिए अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल बर्बाद नहीं होने चाहिए। ये समय बहुत ही ज्यादा कीमती है। अब देश बदल रहा है, मार्केट में स्किल बेस्ड जॉब और बिजनेस की तरफ यंगस्टर्स का इंटरेस्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है। स्किल बेस्ड इंडस्ट्री जन्म ले रही है। स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो क्या आता है? टेक्निकल बेस्ड जॉब, मीडिया बेस्ड जॉब, मार्केटिंग। अभी टेक्निकल बेस्ड जॉब में क्या आता है? ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट जैसी टेक्निक जो आप आज के टाइम में इंटरनेट की मदद से सीख सकते हैं। मीडिया बेस्ड जॉब में क्या आता है? वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एनिमेशंस और भी बहुत कुछ जिससे आसानी से सीखा जा सकता है। वहीं मार्केटिंग कवर करता है डिजिटल इन्फ्लुएंसर, SEO और भी बहुत कुछ। इन टेक्निक्स में महारत हासिल कर कई लोग अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं जिन्हें हम फ्रीलांसर कहते हैं। वहीं कुछ लोग हाईली पेड जॉब भी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि स्किल बेस्ड में यही काम आता है। अगर आप डांस करने में अच्छे हो तो डांस सिखाकर भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी स्किल को पहचानो और लग जाओ कुछ हासिल करने की दौड़ में जिससे आपको खुद को खुशी मिलती हो। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।